सो हाई गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. मैं हूँ आपकी दोस्त अनुप्रिया और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है. सबसे पहले तो हैप्पी लोहड़ी. आज हमारे डुगू की पहली लोहड़ी है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ जाने के लिए. तो अभी मैं और पुनीत जो है इवनिंग में निकलेंगे. अभी दीदी के आने का प्लान है, पता नहीं मैं आप कितना शूट कर पाऊँगी कितना नहीं. तो अभी हम लोहड़ी के लिए, मैं आपको सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ. इसी तरीके से खुशियाँ बनती रहे और ठंड को हम टाटा बाय बाय करते. बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा, मतलब आदत नहीं होती ना तो फिर ठंड और ज़्यादा लगती है. अभी इतना कुछ पहनने के बाद, मतलब ये पहना है, ये पहना है, नीचे इनर पहना है, इतना कुछ पहनने के बाद भी ठंड जो है वो जाती नहीं है. आप लोग अपनों का और सबका ध्यान रखें. सबसे पहले तो अभी कोविड की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है. 17 को हमें रिटर्न जाना है, तो दिल तो नहीं है लेकिन स्टिल अब घर तो जाना ही है. बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी टाइम अभी हमारा प्लान था वैसे रुकने का लेकिन कुछ काम की वजह से हमें वापस जाना पड़ रहा है. तो अभी आएंगे हम, दोबारा आएंगे. तो तब तक अभी आप इस ब्लॉग को हम शुरू करते हैं, देखते हैं कितना जाता है. जस्ट अभी बनाया है मेरा शिमला मिर्च पनीर, मैंने काफ़ी बार अपने ब्लॉग्स में शेयर किया है. और अभी मैं बना रही हूँ फ्राइड मतलब गोभी आलू. तो यहाँ पर काफ़ी सारी मैंने फ्राई कर ली है, प्याज कट कर लिए हैं, टमाटर भी मेरी प्यूरी बन चुकी है. तो अभी तड़का लगाकर हम इसे बनाएंगे, मुझे बहुत टेस्टी लगती है. तो ये रहा हमारा दोपहर का लंच और एक सब्जी हम बाहर से मंगवाने वाले हैं. सो अभी यहाँ पर हम बनाने वाले खिचड़ी, जो हरी वाली दाल होती है उसको कट किया है और छोटी सी किनकी डाली है. तो इसकी खिचड़ी काफ़ी टेस्टी बनती है. जिस कुकर में डाल के सीटी लगवाएंगे चार, जैसे हम नॉर्मल खिचड़ी बनाते हैं वैसे ही. इसमें अभी मैंने टमाटर ऐड किए हैं, प्याज फ्राई चुके हैं और टमाटर ऐड कर दिए हैं. टमाटर ऐड करने के बाद हम मिक्स करेंगे और उसके बाद सभी मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च, लाल मिर्च और हल्की देसी मिर्च करूँगी, क्योंकि यहाँ पे देसी टमाटर है जो कि सब्जी को लाल नहीं करते हैं. इसलिए हल्की सी भी देसी मिर्च ऐड करेंगे और उसके बाद इसे थोड़ा सा पकने देंगे. अब साइड बाय साइड हम खिचड़ी बना लेंगे. मैंने घी ऐड किया है, उसमें हम थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, हल्की काली मिर्च ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा इसको मतलब सॉटे करेंगे, सो ताकि थोड़ा सा जीरा भुन जाए. और उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने खिचड़ी भिगोकर वॉश करके रखी थी वो ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद आप चाहें तो मतलब इसमें चार गुना आप पानी डाल सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल खिचड़ी बनाते हैं जितनी भी खिचड़ी है उसका चार गुना डाल दीजिए. और आप चाहे तो इसमें वेजेस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब है तो मैं वेजेस ऐड नहीं करूँगी. मैं चार गुना इसमें पानी ऐड करने के बाद इसका कुकर को मैं लगा दूँगी और एक सीटी आने तक मैं इसे पकाऊँगी. और जैसे ही एक सीटी एक विसिल बजेगी हम उसके बाद इसे बंद कर देंगे. और बंद करने के बाद हमारी खिचड़ी, जब पूरी स्टीम निकल जाएगी, खिचड़ी रेडी है. उसके बाद साइड बाय साइड मेरा तड़का भी रेडी हो चुका है. अब हम इसके अंदर सारी जो हमने फ्राई की हुई गोभी है उसको ऐड करेंगे. वैसे मैं बताना भूल गई थी, हम फ्राइड गोभी करेंगे, तो मैंने गोभी जो है वो फ्राई करके रख ली थी, तो इसमें हमने बस वही फ्राई गोभी ऐड कर दी है. अब चाहें तो हल्की अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने नहीं बताया. तो यहाँ पर हमारी गोभी ऑलमोस्ट रेडी. अब चाहें तो तेल अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं. इसमें मैंने धनिया ऐड किया है और हमारी गोभी रेडी हो चुकी है. अभी इवनिंग हो चुकी है, शाम के 4:30 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं. बहुत ज़्यादा फोग है, बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है यार. बहुत अच्छा, मतलब मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन मुझे ठंड कुछ खास पसंद नहीं है. तो अभी हम निकल रहे हैं, तो डायरेक्टली वहीं पहुँच कर आपको मिलती हूँ. तो अभी हम घर पहुंच चुके हैं और हमारा डुगू अभी सोकर उठा है और वो दूध पी के बैठा है. तो थोड़ी सी बदनी आ रही है, परेशान हो जाते हैं ना बच्चे जब हिचकी आती है.
हम लोग तो पानी वगैरह पी लेते हैं, वो लोग तो बेचारे पानी भी नहीं भी पी सकते। तो कहते हैं ना कि बदनी आती है तो बच्चा बड़ा होता है, तो बिल्कुल वैसे ही अभी वो थोड़ा सा सुस्त उम्र है, थोड़ा सा क्रैंकी है क्योंकि अभी सोकर उठा है, गुस्से से देख रहा है वो पहचान रहा है कि कौन आया है यार मेरे घर पर। तो शाम के 7 बज रहे हैं और अभी हम अपने पुराने घर पहुँचे हैं ताकि लोहड़ी का हम थोड़ा बहुत कर सकें। एक्चुअली हमारे वहाँ पर सब मिलकर ही करते हैं, तो वहाँ पर हमने कुछ विशेज़ की हुई थी जो कि सिर्फ वहीं पर हम पूरी करना चाहते थे। पुराना मकान थोड़ा सा दिल के करीब होता है और बड़ों की विशेज़ होती है, तो यार पुरानी चीज़ें वैसे ही दिल के थोड़ी करीब होती हैं। तो यहाँ पर हमारी सोसाइटी मतलब हमारी जो गली है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है फैमिली टाइप, तो अभी सभी हम वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे काकू की पहली लोहड़ी। तो आज के दिन हमारे में ये होता है कि नारियल दिए जाते हैं, मतलब जिनकी नई शादी हुई है या जिनके अभी बच्चे नहीं हैं तो उनको नए नारियल जिसकी पहली लोहड़ी होती है वो देता है। तो अभी अंकिता की पहली लोहड़ी है तो वो दे रही है ताकि जल्दी जल्दी उनकी गोद में भी नन्नू पन्नू आए, जैसे कि अभी मेरे को भी दिया गया है। तो अभी हम काकू को लेकर खड़े हैं और हम हल्का फुल्का व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो एंजॉय कुछ इस तरीके से हमारे व्लॉग्स। मेरे व्लॉग्स तो स्पेशली मतलब मैं बात नहीं करती हूँ, मैं बाद में वॉइस ओवर करती हूँ, लेकिन जितनी जानकारी होती है वो मैं आप लोगों को दे देती हूँ। मास्किंग वगैरह हमने कर रखी थी, काफ़ी अच्छे से किया हुआ है हमने। और उसके बाद अभी हम इसके फेरे करेंगे, 3 फेरे होते हैं, तो वो 3 फेरे अग्नि के लेकर साथ साथ जो फुल्ले वगैरह है वो देते हैं। अभी अंकिता और असीम कर रहे हैं और वो काकू को लेकर अपने फेरे पूरे करेंगे। और साथ साथ आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो बोल सकते हैं, जो आप मंत्र पढ़ना चाहते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं वो करते हुए आपको 7 बार करना है, मतलब आप 3 बार करना है, तो आप वो कीजिए और इन्जॉय कीजिए। कुछ इस तरीके से ही लोहड़ी सेलिब्रेट होती है हमारे यहाँ। आपके यहाँ कैसी होती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अभी वहाँ से आने के बाद हमें एक और जगह पे फंक्शन करना था जो कि हमारे नए घर के इधर था, तो यहाँ पर भी लोहड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी होती है, बम वगैरह भी बचाए जाते हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, क्रैकर्स वगैरह भी थोड़े बर्न किए गए थे, थोड़ा अच्छे से किया था पूरा, थोड़ा बहुत पार्टी वार्टी का सीन था, डांस वगैरह डीजे वगैरह चल रहे थे। और ये हमारी एक फ्रेंड है जो अभी नई नई बनी है, तो उनकी तरफ से हाय। और ये हमारे डुगू लेटे हुए हैं, मज़े कर रहे हैं क्योंकि अभी तो उन्हें कुछ पता नहीं है, जब बड़ा होगा तो ऑब्वियसली आई विश वो ये व्लॉग मेरे चैनल पे रहे और किस तरीके से जहाँ पर दूर रहे, खुश रहे और हंसते मुस्कुराते रहे, सबसे बड़ी बात। तो आप लोगों की विशेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरीके से खुश रहिए, हंसते रहिए, फैमिली के साथ रहिए, बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ रहना और विशेज को इस तरीके से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना। तो यहाँ पर अभी सुबह मॉर्निंग के टाइम पे दीदी आए हुए थे, तो हमने दीदी के साथ थोड़ा बहुत अटेंड किया, तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे थोड़ा सा लो फील हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ का थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है। वहाँ पे भी हम लोहड़ी सेलिब्रेट कर कर आए थे शाम को 5 बजे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सब लोग झुंड में कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम सिर्फ फैमिली करते हैं तो वो भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा है। अच्छा कर दे 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 दे
क्यों रोकता है? रोने वाली बात तो है नहीं, क्या बात है बताओ? है कोई रोने वाली बात? ये देख कौन है ये, जब तो बड़ा होएगा ना तब देखेगा कौन है ये, ये गंदा बच्चा कौन है, कौन है ये गंदा बच्चा, ये कौन है गंदा बच्चा, ये कौन है, देख कैसे नोइयां करता था गंदा बच्चा। मेरा गपलू, मेरा गपलू सोना मोनू, कहा देख रहा, कौन सी लाइट पसंद आ गई है गागू को, कौन सी लाइट पसंद आ गई है। वहाँ से आने के बाद हमने डिनर किया और हम काकू के साथ खेल रहे हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, लेती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। लाइट के थलो लत्ता मारे देगा तो हंसता रहेगा। मैं आना ही बोलने पूरी, देखना 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 देखना।